महाराणा प्रताप इंटर कॉलेज के ग्राउंड पर माध्यमिक विद्यालयों की तहसील स्तरीय दो दिवसीय खेलकूद प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया, जिसका शुभारंभ अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉलर सुब्रत चटर्जी ने दीप प्रज्वलित कर किया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि सुब्रत चटर्जी ने कहा कि खेल स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को जन्म देती है। छात्र अपने श्रेष्ठ प्रदर्शन से अपने आगे के मार्ग को निर्धारित करता है। जीवन में खेल भावना से ही सद्भावना उत्पन्न होती है। इन प्रतियोगिताओं से छात्रों में आत्मविश्वास उत्पन्न होता है, सफलता आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है और असफलता हमें स्वयं का मूल्यांकन करने का अवसर देती है और सफलता की प्रथम सीढ़ी होती है। इससे निराश होने की आवश्यकता नहीं है। वहीं इस खेल प्रतियोगिता में 800 मीटर फाइनल दौड़ में वरिष्ठ वर्ग बालक में रंजीत यादव महाराणा प्रताप इंटर कॉलेज प्रथम, अजय यादव MSI इंटर कॉलेज द्वितीय, अमित कुमार DAV इंटर कॉलेज तृतीय स्थान पर रहे। वहीं बालिका वर्ग में सावित्री निषाद इंद्रासन इंटर कॉलेज बालापार प्रथम, निकिता आर्य कन्या इंटर कॉलेज द्वितीय, संजना कुमारी इंद्रासन इंटर कॉलेज बालापार ने तृतीय स्थान प्राप्त किया। इसके बाद बालक एवं बालिका वर्ग में सभी वर्गों की 100 मीटर दौड़, 200 मीटर दौड़ एवं 400 मीटर दौड़ के हिट्स आयोजित किए गए। इन सभी दौड़ की फाइनल कल क्रीड़ा समारोह के दूसरे दिन आयोजित की जाएगी और उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को सम्मानित किया जाएगा। इस अवसर पर डॉक्टर फूलचंद प्रसाद गुप्ता, जिला क्रीड़ा सचिव जफर अहमद खान, कोषाध्यक्ष किशोर कुमार जायसवाल, पूर्व क्रीड़ा अध्यापक कृष्णकांत यादव, रिपु सुदन सिंह, अनीता कुमारी, ओम प्रकाश द्विवेदी, राम हरि केशरवानी, विनय पांडे, नवीन कुमार पटेल, अभय प्रताप सिंह, अरविंद कुमार सिंह, सुरभि त्रिपाठी सहित अन्य लोग उपस्थित रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए महाराणा प्रताप इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्य अरुण कुमार सिंह ने कहा, पुष्पार्पण करते हुए आज के आदरणीय मुख्य अतिथि साथ में विद्यालय के प्रधानाचार्य डॉक्टर अरुण कुमार सिंह जी और 74-75 के अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल सरस्वती वंदना के छात्र आ जाए यहाँ की वंदना वीणावादिनि वरदे। मैं स्वागत सम्मान करने की कृपा करें, ये ले जाइए। मुड़ते हुए ध्वजवाहक दौड़ करके कदम ताल और यही जहां कृष्णकांत यादव जी है सलामी मंच, अभी पूरी टीम दाहिने देखते हुए आगे जाएगी। जैसे झंडा झुकाया ये सबसे आगे इंटर कॉलेज ने झंडा झुकाया और दाहिने देखिए, दाहिने देखते हुए चलिए। यह महाराणा प्रताप बालिका ये कार्मल गर्ल्स इंटर कॉलेज, इनका बड़ा ही सधा कदम है, लगता है इन लोगों ने कुछ अभ्यास भी किया है, अच्छा प्रदर्शन और इसी तरह से आगे बढ़ती हुई। विद्यालय का नाम बोलिए, विद्यालय का नाम बोल के तो, मैना देवी बालिका विद्यालय, फिर ये दयानंद इंटर कॉलेज देखिए पूर्ण गणवेश में है और NCC के भी बच्चे इसमें दिख रहे हैं, इनका भी जो सबसे इधर दाहिने वाला है पीछे आ जाना चाहिए उसे। ये महिम नारायण शाही महावीर छपरा नेहरू इंटर कॉलेज बिछिया रेलवे कॉलोनी, आप सब जो है पूर्व अतिथि को मारवाड़ इंटर कॉलेज अपने विद्यालय के गणवेश में है, तीन तीन में होना चाहिए, आप दो दो की पंक्ति में है, अभी सुधार कर लेंगे। और सामने देख दो आप काशन देना है, विद्यालय का नाम लेकर के दाहिने देख बोलिए, सब लोग दाहिने देखते हुए चलिए। यह देखिए यमी प्रसाद कन्या इंटर कॉलेज की बालिका, दाहिने देखो, दाहिने देखते हुए एक से इंटर कॉलेज कार्मल गर्ल्स इंटर कॉलेज ने मुख्य अतिथि को सलामी दिया, दाहिने सभी देख रही हैं, इनका कदम भी सदा हुआ है। पीछे दयानंद इंटर कॉलेज है, दाहिने देखते हुए आपको जाना है आगे, उनके पीछे बहुत बढ़िया।
हो गया, एक दो तीन जिला स्तरीय प्रतियोगिता के पूर्व ये शहर गोरखपुर शहर तहसील का तहसील स्तरीय वार्षिक क्रीड़ा प्रतियोगिता आज महाराणा प्रताप इंटर कॉलेज के क्रीड़ांगन में जो है प्रारंभ हुआ है। ये दो दिन प्रतियोगिता चलेगी और यहाँ पर जो बच्चे चयनित किए जाएंगे, सिलेक्ट होंगे विभिन्न प्रतियोगिताओं में प्रथम द्वितीय तृतीय स्थान वाले, वो जो है जिला स्तरीय प्रतियोगिता में प्रतिभाग करेंगे। धन्यवाद।